किसी भी जर्नलिस्ट का या किसी भी स्टोरी टेलर के जिंदगी में कई ऐसे लम्हे आते हैं जब उसके पास कुछ कहने के शब्द नहीं रह जाते हैं। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जाना भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में और एक किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी स्टोरी टेलर के तौर पर एक ऐसा लम्हा है जिसमें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जाहिर तौर पर अगर हम 1990 के बाद के भारत की बात करें तो दो महानायक स्पोर्ट्स की दुनिया में हमें नजर आते हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि खेल से आगे बढ़कर हर विधा में हर तरह के लोगों के दिल को छुआ और उन्हें एक नई उम्मीद की किरण दी। पहला नाम तो बड़ा स्वाभाविक सा है, सचिन रमेश तेंदुलकर का, जिसके बारे में हम हर कोई जानते हैं और कई उन्हें सदी का महानायक भी मानते हैं। लेकिन दूसरे नाम को लेकर हम काफ़ी कंजूसी करते हैं और मुझे लगता है कि वो नाम महेंद्र सिंह धोनी है। बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़कर ये कहना चाहूँगा कि कई ऐसे मायने में महेंद्र सिंह धोनी सचिन रमेश तेंदुलकर से एक कदम आगे बढ़कर होते हैं अगर हम महानायकों की बात करें। दो बड़े ही कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी हैं, दो कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और कई लोग कहेंगे कि तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की अहमियत को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इस तुलना को समझें और इस बात को समझें। साफ तौर पर हम देखें तो जहां सचिन रमेश तेंदुलकर मुंबई से आते हैं, एक लाइट कैमरा एक्शन के साथ आते हैं, 14 साल की उम्र में हर कोई उनको कहता है मुंबई भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा गढ़ रहा है जहां पर एक से एक बल्लेबाज उनके पहले आए हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, दिलीप सारदेसाई हैं, मांजरेकर हैं, अजित वाडेकर हैं, सुनील गावस्कर हैं जो कि जबरदस्त बल्लेबाज रहे, और लोगों का कहना है कि उसके बाद जो अगला कोई है वो सचिन रमेश तेंदुलकर है। दूसरी ओर हम देखें कि पूरा मीडिया जो है उनको अगला पोस्टर बॉय भारतीय क्रिकेट का डिक्लेयर कर देता है जब वो 14-15 साल के होते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक झारखंड का एरिया है जो सुदूर एरिया है जो भारतीय क्रिकेट के मानचित्र पे कहीं स्टैंड नहीं करता है, वहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, ना कोई लाइट है, ना कोई कैमरा है, ना कोई एक्शन है, ना किसी से उनको कोई उम्मीद है। साफ तौर पर वो चुपके से आते हैं, जो उनको कोई देखता है लोकल लेवल पे उनको लगता है कि लड़का तो अलग है, लेकिन उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है चूंकि उस एरिया से कोई एस्टैब्लिश क्रिकेटर नहीं है, भारतीय क्रिकेट इकोसिस्टम में वहां का दबदबा नहीं है, और वहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं। जब वो स्थापित भी करते हैं तो लोग सवाल करते हैं, उनका कहना है कि ये लंबी रेस तक टिकेगा नहीं। और एज ए स्पोर्ट्स एडिटर मुझे याद है, मैं जब उस समय मैं कवर करता था तो मुझे लोग बार बार बोलते थे कि ये लड़का लंबा टिकने वाला नहीं है, इसके पास बैटिंग टेक्निक नहीं है। कई लोगों का कहना था कि इसके पास विकेट कीपिंग के लिए भी बेहतर तकनीक नहीं है और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं टिक पाएगा। तो साफ तौर पर एक महानायक तेंदुलकर होता है जिसकी एंट्री इस तरह से धमाकेदार होती है, दूसरा महानायक महेंद्र सिंह धोनी होते हैं जिसकी एंट्री चुपचाप से होती है। ये कॉन्ट्रास्ट जो है उनके एग्जिट में भी साफ तौर पर दिखता है, जहां सचिन तेंदुलकर का जो एग्जिट है वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से होता है, गोल्डन स्क्रिप्ट होता है, हालांकि वो वर्ल्ड कप में बार बार खेलते हैं वो, लेकिन वो 2011 में वर्ल्ड कप फाइनली जीत पाते हैं और उसके बाद भी उनका करियर आगे बढ़ता है। उन्हें एक ज़बरदस्त विदाई समारोह उनके लिए आयोजित किया जाता है जहाँ पे जब उनकी उनके उनके उनकी विदाई का स्पीच होता है तो कई लोगों को नेहरू की, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी स्पीच की याद आती है। और इस माहौल के बीच में सचिन तेंदुलकर जाते हैं, उसके बाद वो भारत रत्न से नवाजे जाते हैं और यही नहीं होता है, वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी माने जाते हैं। दूसरी ओर देखें तो महेंद्र सिंह धोनी चुपचाप से चले जाते हैं, टेस्ट में भी अगर देखें तो 2014 में दिसंबर में वो अचानक एक दिन बोलते हैं कि मैं चौथे टेस्ट से मैं कप्तान नहीं रहा, अब विराट कोहली कप्तानी करेंगे, और इस बात का वो ऐलान भी नहीं करते हैं। तीसरा टेस्ट मैच खत्म होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आते हैं, वो उस बात को बोलते भी नहीं है और वो चले जाते हैं। उसका BCCI के प्रेस रिलीज से पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी चले गए। उसी तरह से 2019 के वर्ल्ड कप से 1.5 साल पहले वो वनडे टीम का बेटन भी विराट कोहली को सौंप देते हैं और चुपके से वहां से चले जाते हैं। तीसरी बात हम देखें तो उसके बाद वो मेंटर की भूमिका में आते हैं, वो मेंटरिंग करते हैं टीम को, विराट कोहली को मेंटरिंग करते हैं और भारतीय टीम के लिए बड़े भाई बन जाते हैं। और इस बार भी हम देखें तो 2019 वर्ल्ड कप में उनका स्क्रिप्ट उस हिसाब से नहीं चला, क्योंकि जिंदगी में हर कोई आपके हर चीज आपके हिसाब से नहीं होता है। उसके बावजूद वो अचानक कल उनका जो ऐलान होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है, कई लोग उनको कहते हैं, कई लोग को इससे आश्चर्य लगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा इस चीज को देखकर। वो लिखते हैं कि 7:29 के बाद से मुझे रिटायर्ड समझें।
तो जाहिर तौर पर वो अचानक से परिदृश्य गायब हो जाते हैं, ना कोई उनके लिए फेयरवेल स्पीच होता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर लेजेंड थे तो मेरे हिसाब से उस महेंद्र सिंह धोनी भी एक लेजेंड हैं, और दोनों लेजेंड की दोनों लेजेंड जाहिर तौर पर दो अलग इकोसिस्टम से आए और उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत ही बड़ा योगदान दिया इतने सालों में। अगर धोनी के लीडरशिप स्टाइल को देखें तो उसमें भी कॉन्ट्रास्ट हमको साफ तौर पर दिखता है। अगर हम भारतीय कप्तानों की बात करें तो जाहिर तौर पर जब भारतीय क्रिकेट का कारवां यहां तक पहुंचा तो हमें धोनी की कप्तानी की तारीफ करने से पहले उन कप्तानों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए जिनका बहुत ही अहम भूमिका भारतीय क्रिकेट में रही है। भले ही हम पटौदी की बात करें, वाडेकर की बात करें, सुनील गावस्कर की बात करें, कपिल देव की बात करें जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया, और मुझे मेरा मानना कि भारतीय क्रिकेट अगर यहां तक पहुंचा है तो उस विक्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। सौरव चांडीदास गांगुली की बात करें, चूंकि सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट में एक बात सिखाया लीडरशिप के तौर पर कि तुम बड़ी टीम तभी मानी जाओगे जब विदेश में जीतोगे। उन्होंने एक यंग टीम को बिल्ड किया अपने राउंड अबाउट और एक बहुत ही बेहतर ड्रेसिंग रूम का माहौल तैयार किया जिसका असर हमको आज तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम शेयर अचीवमेंट की टर्म में बात करें तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी इन सारे कप्तानों से आगे बढ़ जाते हैं, और इसको बोलने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो तौर पर हम इसको मान सकते हैं। पहला, हम स्टैटिस्टिकल वेट में मांगे, अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर देखे जाएँ तो 2007 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में वो कप्तान रहते हैं, एक यंग टीम जिसको लेकर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी उसको वो चैंपियन बना देते हैं। 2011 वर्ल्ड कप में फिर से वो कप्तान रहते हैं, उस टीम को वो चैंपियन बना देते हैं। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को चैंपियन बना देते हैं, और ये जर्नलिस्ट मुझे इस बात का सुकून है कि इन तीनों ही टूर्नामेंट को मुझे कवर करने का मौका मिला, साउथ अफ्रीका में, मुंबई में फाइनल मैच जब हो रहा था, और इंग्लैंड में, हालांकि मैं उसमें दूसरी भूमिका में मैं गया था, तो इन तीनों ही मौकों पर मैं वहां पे था। उसके बाद वो नंबर वन टेस्ट टीम के कप्तान भी रहते हैं, तो अगर हम सीयर अचीवमेंट में देखें तो उनके अचीवमेंट को गिन सकते हैं। और अगर हम क्वालिटेटिव बात की बात करें तो कई लोगों का ये कहना है कि ये महज संयोग है कि धोनी इतना टूर्नामेंट जीते, तो साफ तौर पर हम इंग्लिश में कहावत है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। साफ तौर पर जब मैं स्पोर्ट्स एडिटर था तो कई मुझे पुराने क्रिकेटर मुझे कहते थे कि ये किस्मत बड़ा वाला है, लेकिन मेरा उनको जवाब होता था कि एक बार आपको किस्मत साथ दे सकता है, जिसको हम लोग फ्लूक भी कह सकते हैं, दो बार भी दे सकता है, लेकिन लगातार अगर दे रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी का पैटर्न है, और आप अपने आँख पे पट्टी लगाकर उस कंसिस्टेंसी को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। अभी भी कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि इसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसे क्रिकेटर दो पंक्ति के हैं, कई पूर्व क्रिकेटर हैं जो कि ट्रेडिशनल सेंटर से आते हैं, उनको वो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने के लीडरशिप में इतना बड़ी भूमिका निभाई टीम इंडिया को आगे बढ़ाने में। और दूसरा, मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया है, चूंकि सौरव द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बाद भारत में जो एक स्वाभाविक सा सेकंड ब्रिगेड डेवलप हो रहा था वो सहवाग, युवराज और गौतम गंभीर के राउंड अबाउट हो रहा था, और महेंद्र सिंह धोनी डिसरप्टिव फोर्स की तरह आए और इस सेकंड ब्रिगेड को कहीं ना कहीं हटा दिया। लेकिन ये भारतीय क्रिकेट की बढ़प्पन को माने कि युवराज ने धोनी की कप्तानी में अहम योगदान दिया, सहवाग का अहम योगदान रहा, गौतम गंभीर ने बहुत बेहतरीन फाइनल में 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल भी पारी खेली थी, 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल भी खेली थी, तो जाहिर तौर पर ये उनका लीडर के तौर पर दिखाता है। एक और अहम बात धोनी की लीडरशिप को अगर हम लेके बात करें तो यहाँ पे भी सचिन तेंदुलकर से तुलना करना बड़ा अहम होगा। जब सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के फ्रंटलाइन बैट्समैन बन गए थे तो स्वाभाविक तौर पर ये कहा जा रहा था कि वो कब कप्तान बनेंगे, चूंकि उनका कप्तान बनना तो तय है। वो कप्तान बनते हैं, दो बार कप्तान बनते हैं और उसके बाद वो सफल नहीं हो पाते हैं कप्तान के तौर पर। दूसरी ओर कम से कम दो बार उनको कप्तानी BCCI से कहती कि आप ले लो तो वो बाद में इनकार कर देते हैं। यही नहीं, सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के एक स्वाभाविक कप्तान बनते हैं, वो आइकन प्लेयर थे और वहां पे भी मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा ख्याति नहीं दिला पाते हैं। दूसरी ओर अगर हम धोनी की बात करें तो धोनी एक नेचुरल कप्तान नहीं होते हैं, उनको कप्तानी इसलिए मिलती है क्योंकि टीम के सीनियर क्रिकेटर डिसाइड करते हैं कि हमको साउथ अफ्रीका नहीं जाना है, और वहां पे धोनी को कप्तानी मिल जाती है और वहां से वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और उसके बाद जब IPL की भी हम कप्तानी की बात करें तो वो आइकन प्लेयर नहीं थे पहले IPL में, वो रांची से आते थे और उनका कोई फ्रेंचाइजी बेस नहीं था, वो एक अलग इकोसिस्टम में चले आते हैं। रांची का लड़का हैदराबाद के इकोसिस्टम में, माफ कीजिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स इकोसिस्टम में चले जाता है, और ब्रांड धोनी पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड में जाके मर्ज कर जाता है, और IPL के इतिहास में
सबसे कामयाब जोड़ी ये बनती है अगर हम बात करें धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की जोड़ी। 3 आईपीएल चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीतना, 2 चैंपियंस लीग जीतना, लगभग 62% या 63% का इनका विनिंग परसेंटेज है, अद्भुत है। और इसमें हम याद करें कि 2 आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स खेल नहीं पाई थी चूंकि वो सस्पेंड हुई।